welcome to the yet another session on subject system analysis and design the topic of today's discussion is the all important cost benefit analysis to so, cost benefit analysis ke bare mein sabse pehle humne discuss kiya tha jab humne feasible uh, feasibility study ko discuss kiya tha feasibility studies में हमारे पास technical feasibility के बाद दूसरा point था economical feasibility now that economical feasibility So, uh, डी कर चुके हैं जब हमने फिजिबिलिटी स्टडी डिस्कस किया था स्टडी में दूसरा पॉइंट था इकोनॉमिक फिजिबिलिटी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी नो इट्स इज इट्स देश ऑफ द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम ये डिस्कस करते हैं कि हम हमारी कितना हम इन्वेस्ट uh, करेंगे और हमारी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमें कितना रिटर्न आएगा तो ऑब्वियसली शुड वी डू इट इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से मिलता है क्या हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए क्यों uh, हमें ये प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये हम डिसाइड करेंगे बेस्ड अपॉन द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में जनरली uh, बेसिकली हम ये देखेंगे कि हम हमारी कितनी टोटल कॉस्ट इन्वेस्ट होगी प्रोजेक्ट में और उस प्रोजेक्ट से कितने पैसे वापस आने के चांसेस हैं तो अगर ऑब्वियसली द रिटर्न इफ रिटर्न विल बी ग्रेटर देन द इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली वी विल प्रोसीड प्रोजेक्ट बट इफ द इन्वेस्टमेंट विल एक्सीड द रिटर्न वी विल नॉट प्रोसीड विद द Project. Project बेसिकली हम, ले तो हम यही analysis करेंगे कि कितनी हमारी इन्वेस्टमेंट होगी और उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमें कितने रिटर्न मिलेंगे so

एंड पॉसिबल प्रॉफिट टू बी ड्राइव और हमें इससे कितने प्रॉफिट होंगे इफ द प्रोफिटर कॉस्ट इनवॉल्डीड विदेक्ट बट इफ द कॉस्ट इनवॉल्वीडेड एज कंपेयर टू द प्रोफिट टू बी ड्राइव देन वी विल नॉट प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट तो आई होप आपको क्लियर uh, हो गया आइडिया हो गया कि वट इज दिस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम करते कै, कैसे हैं हम बेसिकली जितनी भी हमारी एसोसिएटेड चीजें होती हैं उनको मतलब जो भी प्रोजेक्ट में हमारी इन्वेस्टमेंट होती है जो भी हमें चीजें चाहिए मैन पावर मशीनरी टाइम हम हर चीज को एक वैल्यू दे देते हैं वो हमारे टोटल हो जाते हैं एक्सपेंडिचर्स और उन एक्सपेंडिचर्स के अगेंस्ट हमें कितने रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी रहती है वो हो जाते हैं हमारे

किसी प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक वैल्यू को असेस करने के लिए देर आर थ्री सब आर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ब्रेक इवन पॉइंट एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम सब भी हमारे जो भी हमारे जो इन्वॉल्व होगा प्रोजेक्ट में जो भी हमारी इनपुट होगी लाइक मशीनरी ह्यूमन बीइंग टेक्नोलॉजी इन सभी को हम लिस्ट कर लेंगे और जितने हमारे पास बेनिफिट आने के चांसेस है उनको भी हम लिस्ट कर लेंगे दूसरे में में पॉइंट हमने जितनी भी चीजें लिस्ट करी हैं उनको हम क्वॉंटिफाई कर देंगे मतलब वैल्यूज दे देंगे इन इन टर्म ऑफ रुपीज और डॉलर तीसरे पॉइंट में हम टोटल देखेंगे कि कैश फ्लो कितना हो रहा है कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है कितना हमें बेनिफिट्स हो रहे हैं तो उन सारा कैश फ्लो को हम एग्जैक्ट अमाउंट को यहाँ पे नो फिगर आउट कर लेंगे इन फोर्थ पॉइंट है इसकी वैल्यू कितनी है वो तीन चीजों पे डिपेंड करती है रिटर्न एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू तो लेट स्टार्ट फर्स्ट स्टेप इन द कॉस्ट एनालिसिस, दैट इज आइडेंटिफाई कॉस्ट एंड बेनिफिट सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट द सिस्टम एनालिस्ट विल डू

क्रिएट करने के ड्यूरिंग हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जब हम सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं उस टाइम पे हमारे जो होते हैं, अब इसमें क्या है प्रोजेक्ट टीम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक्सपेंसिज कंसल्टेंट फीस ट्रेनिंग एंड ऑफिस स्पेस एंड इक्विपमेंट्स और डिवाइसिस तो ये सारी वो चीजें हैं जो हम इंक्लूड करेंगे डेवलपमेंट कॉस्ट में तो पहला स्टेप जो है आप ध्यान दीजिए आइडेंटिफाई कॉस्ट एंड बेनिफिट इसमें हम सिर्फ लिस्ट तैयार करेंगे क्या लिस्ट तैयार करेंगे कि हमारे टोटल कितने हमारी कॉस्ट होने वाली है तो एक साइड पे इस लिस्ट में कॉस्ट होगी और दूसरे साइड में बेनिफिट्स होंगे तो कॉस्ट में हम एक तरफ जैसे लिखते जा रहे हैं डेवलपमेंट कॉस्ट डेवलपमेंट कॉस्ट के अंदर क्या आएगा प्रोजेक्ट टीम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो ये सारी चीजें हम इनको सिर्फ लिस्ट करेंगे अभी आई होप यू यू आर क्लियर विद द पॉइंट आइडेंटिफाई कॉस्ट एंड बेनिफिट में हम एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे उसमें दो कॉलम्स होंगे एक होगा कॉस्ट का कॉलम दूसरा होगा बेनिफिट का कॉलम अब कॉस्ट के कॉलम में कौन कौन सी चीजें होंगी दो चीजें होंगी मेनली डेवलपमेंट कॉस्ट एंड ऑपरेशनल कॉस्ट डेवलपमेंट कॉस्ट में आएगा सैलरीज ऑफ द प्रोजेक्ट टीम कंसल्टेंट की फीस उस ट्रेनिंग uh, की फीस ऑफिस के लिए स्पेस डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस, तो ये सारी आ गई डेवलपमेंट कॉस्ट के बाद दूसरा आ जाएगा आपके पास ऑपरेशनल कॉस्ट तो ऑपरेशनल कॉस्ट में हम क्या इंक्लूड करेंगे स्टाफ सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग फीस डिवाइस या इक्विपमेंट अपग्रेड एंड कम्युनिकेशन चार्जेस तो इसके अंदर फिर से हम सब कैटेगरीज बना लेंगे और हर चीज को लिस्ट कर देंगे स्टाफ की सैलरी को लिस्ट कर देंगे सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग uh, के जो चार्जेस हैं उनको लिस्ट कर देंगे इक्विपमेंट और अपग्रेड ये सिर्फ लिखेंगे हम अभी ये नहीं बोल रहे कि कितना खर्चा होगा हम सिर्फ लिस्ट बना रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें मेरी इन्वेस्टमेंट होगी और कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे मुझे बेनिफिट होगा मैं सिर्फ उन चीजों की लिस्ट बना रहा हूं पहले पॉइंट पे नेक्स्ट इज टेंजेबल बेनिफिट्स टेंजेबल बेनिफिटिबल बेनिफिट फिजिकल बेनिफिट जो डायरेक्टली आपको नजर आते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल्स कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो पहला जो बेनिफिट आपको क्लियर कट बेनिफिट है कि वो उस प्रोडक्ट को सेल करके जो आपको बेनिफिट होगा तो इसमें हम बहुत सारी कॉस्ट सेविंग की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल uh, जैसे देख लो इफ द सिस्टम प्रोड्यूज आर आर रिडक्शन इन नीडेड स्टाफ

देन आपने इन्वेंट्री में कम इन, आ, उनका आपका इन्वेस्टमेंट्स की जिस जो आपके सारे सिस्टम को मैनेज करेगा तो इस तरह की कॉस्ट कट कर, करने से आपके जो टेंजेबल बेनिफिट है दे विल बी इंक्रीज अब जो दूसरी तरह के बेनिफिट्स होते हैं दे आर इनटेंजेबल इनडायरेक्ट वर्चुअल जो दिखाई नहीं देते डायरेक्ट नहीं होते बट दे दे इफेक्ट योर डिसीजंस। तो इंटेंजेबल कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स आर मोर डिफिकल्ट टू इनकॉर्पोरेट इनटू द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बिकॉज़ दे आर बेस्ड ऑन इंट्यूशंस एंड बिलीव्स क्योंकि इंटेंजेबल है जो वो वर्चुअल है तो वर्चुअल बेनिफिट्स हैं जी आप को वो आप सिर्फ आपको उसका एक अंदाजा लगा सकते हो एस्टीमेट कर सकते हो आप इंट्यूशन कभी-कभी ये लगता है ना कि आपको फॉर एग्जांपल सपोज करो यू वांट टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर uh, एक नए तरह का सॉफ्टवेयर जो मार्केट में नहीं है एक कोई एक नई तरह की मोबाइल एप्लीकेशन जो मार्केट में नहीं है आप वो डेवलप करते हो तो आपको इंट्यूशन होती है आपको ऐसा लगता है कि जब ये आ जाएगी मार्केट में तो ये काफी सेल होगी हाँ क्यों सेल होगी कितनी सेल होगी आप एग्जैक्टली exactly नंबर्स में ये चीज नहीं बता सकते क्योंकि वो चीज ऑलरेडी नहीं है तो आपको ऐसा लग रहा है आप ऐसा मानते हो आपको इंट्यूशन है कि ये अच्छी सेल होगी तो उसकी अच्छी सेल से मुझे ज्यादा रिटर्न आएंगे ज्यादा बेनिफिट्स होंगे तो ऐसे बेनिफिट्स को हम बोलते हैं इनटेंजिबल बेनिफिट्स तो पहले पॉइंट में हमने क्या किया सिंपली आइडेंटिफाई कॉस्ट एंड बेनिफिट्स में हमने क्या किया हमने एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली जिसमें हमने सभी कॉस्ट और बेनिफिट्स को लिस्ट कर दिया अब दूसरे पॉइंट में हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे वी विल उस लिस्ट के सामने जो जो चीजें हमने लिस्ट करी है उनको हम उनके सामने उनका जो वैल्यू है वो अमाउंट में लिख देंगे जैसे सपोज करो आपने डॉलर में लिख दिया या रुपीज में लिख दिया तो आपने पहले लिस्ट प्रिपेयर करी उसके बाद उस लिस्ट के अगेंस्ट आपके उसमें कितने आपका अमाउंट स्पेसिफाई इन्वॉल्व रहेगा आपने वो अमाउंट लिख दिया अब ये आप पूछोगे सर हमने तो सिर्फ अभी लिस्ट प्रिपेयर करी है हमें क्या पता कि वाकई इतना खर्चा होगा कि नहीं होगा वाकई इतने बेनिफिट्स होंगे या नहीं होंगे अब यही आर्ट है इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का आपको ऐसा करना पड़ेगा बट अब पॉइंट ये है कि अब चीजें तो सारी अभी कुछ हुआ तो है नहीं अभी हमें ये नहीं पता कि हार्डवेयर कितने का आएगा सॉफ्टवेयर कितने का आएगा सैलरीज टोटल कितनी होंगी होंगी हमारे टेंजिबल बेनिफिट्स कितने होंगे कितनी उसकी सेल हो जाएगी इनटेनजेबल बेनिफिट कितने होंगे हम अमाउंट में कैसे इसको स्पेसिफाई कर दें तो इसका आंसर ये है कि आप आपको हेल्प लेनी होगी एक्सपर्ट्स की जैसे सपोज करो कॉस्ट में हमने लिखा लिखा था डेवलपमेंट कॉस्ट डेवलपमेंट तो कॉस्ट में हमने प्रोजेक्ट टीम की सैलरीज लिखा था हार्डवेयर कॉस्ट लिखा था सॉफ्टवेयर कॉस्ट लिखा था तो अब आपको कंसल्ट करना पड़ेगा अपनी IT टीम के साथ वो एक आपको देंगे कि अगर इस ऐसा हार्डवेयर तो लगेगा और उसकी लगभग इतनी कॉस्ट होगी इतने बंदे लगेंगे और इतने डेवलपर लगेंगे उतनी उनकी इतनी सैलरी होगी इतने डिजाइनर्स लगेंगे ऑन एन एवरेज हर की इतनी सैलरी होगी तो जब आप एक्सपर्ट से बात करोगे तो आप एक अमाउंट निकाल सकते हो अब यही अमाउंट निकालना सेकंड स्टेप में होगा असाइनिंग वैल्यूज कॉस्ट एंड बेनिफिट्स इसी तरह से आपने आपने आपको को, को के सामने भी नंबर लिखने अब वो नंबर कैसे लिखोगे वो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लिख सकते हो जैसा प्रोजेक्ट आप कर रहे हो उस प्रो उस जैसे प्रोजेक्ट से ऑलरेडी जो हो चुके हैं उनके हिसाब से लिखोगे तो आप सारी चीजों को मिला जुला के एक हर अप, आपकी कॉस्ट और बेनिफिट्स की जो आइटम्स हैं उनके सामने उसका उसकी वैल्यूज लिख दोगे इन टर्म ऑफ करेंसी ये काम अब बहुत मुश्किल है इसमें आपको बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ेगी बट अगर आप ये काम नहीं करोगे तो टोटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है जो बिल्कुल आपका जाया हो जाएगा द थर्ड इज डिटर्मिन द कैश फ्लो तो डिटर्मिन द कैश फ्लो में हम क्या देखेंगे कि टोटल ओवर पीरियड ऑफ टाइम सपोज कीजिए हमारा एक प्रोजेक्ट था चार साल का तो उस चार साल के प्रोजेक्ट में टोटल हमारा कितना बेनिफिट्स हुए कितना कॉस्ट हमारी इन्वॉल्व हुई इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आपके बेनिफिट्स आ जाएंगे तो इसी तरह से आप कम्युलेटिव नेट कैश फ्लो भी काउंट कर लोगे तो ये सारा जो अमाउंट आपका चाहे बेनिफिट की फॉर्म में है कॉस्ट की बेनिफिट जितना आपका पैसा मूव हो रहा है जितना आपका कैश फ्लो कर रहा है तो आप लिस्ट करोगे अंडर थर्ड पॉइंट कैश फ्लो। जैसे ईयर वन में हमारा बेनिफिट जीरो था टोटल कॉस्ट थी वन लैख ईयर टू में हमारे पास फोर्टी फाइव थाउजेंड जो बेनिफिट आ गया टोटल कॉस्ट आ गई जी टेन थाउजेंड तो बेनिफिट्स में से आपने कॉस्ट को माइनस कर दिया टोटल नेट बेनिफिट आ गया थर्टी फाइव का पहले साल में टोटल कितनी कॉस्ट लगी थी तो तो में से आपने माइनस कर दिया तो अब नेट कैश फ्लो कितना है नेगेटिव में 65, दूसरे साल पचास हजार आपके बेनिफिट हुए कॉस्ट लगी बारह हजार बेनिफिट हुआ अठतीस हजार का अब टोटल जो अब नेगेटिव आपका बैलेंस चल रहा है दैट इज सिक्सटी फाइव थाउजेंड तो सिक्सटी फाइव थाउजेंड में से आपने थर्टी एट थाउजेंड माइनस करे तो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड तो इट मीनस ईयर वन टू थ्री अभी तक आप नेगेटिव में जा रहे हो आपने जितने पैसे लगाए हैं अभी तक वो पूरे नहीं हुए तो तीसरे साल में आप जाके देखिए 57 का बेनिफिट हुआ कॉस्ट लगी 16 की और टोटल जो हमारा नेट बेनिफिट्स हुए दैट दैट आर 41,000 और टोटल हमारा जो नेगेटिव बैलेंस चल रहा था दैट वाज 27 अब 41 में से 27 को आपने माइनस uh, किया तो अब की आप तीसरे साल में आपकी कॉस्ट पूरी रिकवर हो चुकी है जो आपने फर्स्ट ईयर में इन्वेस्ट करी थी और अब आपको तीसरे साल में जाके आप प्लस में आना स्टार्ट हुए तो ये सारी चीजें आप डिटरमिन करोगे इन कैश फ्लो तो यहां पे मैंने टोटल कर दिया जी टोटल बेनिफिट हो गया वन लैक फिफ्टी टू थाउजेंड टोटल कॉस्ट होगी जी वन लैख थर्टी एट थाउजेंड और टोटल बेनिफिट्स हो गए 14000 ये लेकिन 14000 बेनिफिट्स कब हुए हैं चार साल के पीरियड में सो नेट फ्लो नेट कैश फ्लो डिटरमिन कैश फ्लो अ फॉर्मल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यूजुअली कंटेन्स कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ओवर अ सिलेक्टेड नंबर ऑफ इयर्स तो एक सिलेक्टेड नंबर ऑफ इयर्स में आपका टोटल कितना कैश फ्लो हुआ ये नहीं कि आप 1 साल 2 3 इसमें एक विंडो लोगे फोर्थ इज असेस प्रोजेक्ट इकोनॉमिक वैल्यू अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो प्रोजेक्ट है उसकी वैल्यू कितनी है तो अब आ, किसी भी प्रोजेक्ट को की वैल्यूएशन के लिए हम तीन टेक्निक्स को यूज करते हैं जी फर्स्ट वन इज रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ब्रेक इवन पॉइंट एंड द थर्ड इज नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी तो अब देखते हैं जी रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट क्या होता है तो रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज अ कैलकुलेशन दैट मेजर्स द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न अर्न ऑन द मनी इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट की एवरेज हमें कितना पैसा रिटर्न हुआ किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बाद तो इसका फॉर्मूला क्या है जी टोटल बेनिफिट्स माइनस टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू हंड्रेड तो जब तक ये पॉजिटिव में रहता है इट मीन आप फायदे में हो अगर ये नेगेटिव में चला गया तो आप नुकसान में हो तो अब जैसे ये डायग्राम थी इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो टोटल बेनिफिट है जी वन फो फिफ्टी वन थर्टी एट थाउजेंड है जी टोटल कॉस्ट और नेट बेनिफिट्स हैं जी फोर्टीन थाउजेंड तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल बेनिफिट आपके आ जाएंगे फोर्टीन थाउजेंड ऑबियसली तो टोटल कॉस्ट आ गई वन लैख थर्टी एट थाउजेंड आप इसको इसमें से माइनस कर दोगे फिर टोटल कॉस्ट के साथ डिवाइड कर दोगे और इसके बाद आंसर को मल्टीप्लाई कर दोगे विद हंड्रेड जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी रिटर्न ऑफ वैल्यू इन परसेंटेज द सेकेंड कैटेगरी इज ब्रेक इवन पॉइंट सो

हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी प्रोजेक्ट में वो रिकवर हो गई तो ऐसा ही आपने हमने ऑलरेडी इस डायग्राम में देखा कि अब तीसरे साल में जाके ये चीज हुई थी आफ्टर टू इयर्स तो यहाँ पे ये चीज हुई थी जाके तीसरे साल में हमने जाके रिकवर किए थे अपने सारे सो द द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इज नंबर ऑफ ईयर ऑफ नेगेटिव कैश फ्लो अब यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो का कितना कितने साल है आप देख सकते हो क्लियरली पहले साल भी नेगेटिव कैश फ्लो था क्योंकि यहाँ पे अमाउंट बचा हुआ है प्लस सिक्सटी फाइव थाउजेंड दूसरे साल भी नेगेटिव था ट्वेंटी सेवन थाउजेंड लेकिन तीसरे साल में पॉजिटिव हो गया तो टोटल कितने साल नेगेटिव रहा इयर्स तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा टू ईयर्स तो उसके बाद दैट ईयर्स नेट कैश फ्लो माइनस दैट ईयर्स कमुलेटिव कैश फ्लो डिवाइडेड बाय दैट ईयर्स नेट कैश फ्लो तो अब इसके बाद तीसरे साल के अंदर जो जब हमारा पॉजिटिव होना स्टार्ट हुआ उसमें हमारा टोटल कितना कैश फ्लो हुआ कमुलेटिव कैश फ्लो कितना हुआ और उसको हम डिवाइड कर देंगे नेट कैश फ्लो के साथ तो जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी ब्रेक इवन पॉइंट द थर्ड कैटेगरी इज नेट प्रेजेंट वैल्यू तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है इसमें हम टोटल प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे हमारे प्रोजेक्ट की क्या है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द इयर्स मतलब तीन साल का टोटल बेनिफिट्स कितने रहे माइनस तीन साल की टोटल कॉस्ट कितनी रही सपोज करो एक आपने प्रोजेक्ट बनाया पहले साल में आपकी टोटल जो आ, आपने इन्वेस्ट करे वो था वन लैक और जो आपको वापस आया दैट इज सिक्सटी थाउजेंड दूसरे साल में आपकी इन्वेस्टमेंट फिर से एक लाख हुई वापस आया अस्सी हजार तीसरे साल में फिर से एक लाख हुई वापस आया एक लाख बीस हजार तो टोटल तो आपकी कॉस्ट कितनी हो गई थ्री एंड थ्री ये टोटल कॉस्ट हो गई और टोटल बेनिफिट कि कितने हुए एट्टी थाउजेंड प्लस वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड टू लैख टू लैख प्लस सिक्सटी थाउजेंड टू लैख सिक्सटी थाउजेंड तो टू लैख सिक्सटी थाउजेंड टोटल आपके जो हुए वो बेनिफिट्स हुए और तीन लाख आपका हो गया खर्चा तो ये जो नेट वैल्यू चली गई वो चली गई माइनस में दैट इज फोर्टी थाउजेंड तो जब तक ये नेगेटिव है या ग्रेटर इफ द एनपीवी इज पॉजिटिव और ग्रेटर देन जीरो तो प्रोजेक्ट हमारा इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल है लेकिन अगर एनपी की वैल्यू नेगेटिव में चले जाए तो इट मीन्स द प्रोजेक्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल तो इसी के साथ आ, हमारा टॉपिक खत्म होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम जल्दी से वापस चलते हैं और रिवाइज कर लेते हैं हमने आज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हम टोटल ये देखते हैं कि टोटल हमारी प्रोजेक्ट के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट होंगी और हमें कितना रिटर्न आएगा तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी कितनी आइटम्स पे आपका की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और कितनी आइटम्स हैं जिससे आपको रिटर्न आएगा उसके बाद जितनी आइटम्स में आपको कॉस्ट और रिटर्न आएगा उसके बाद उनको आपने वैल्यू असाइन कर देनी है वैल्यू असाइन करने के बाद आपने डिटरमिन करना है कैश फ्लो और उसके बाद असेस करना है प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक वैल्यू आइडेंटिफाई कॉस्ट एंड बेनिफिट्स में हम क्या करेंगे हम एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे उस लिस्ट में हम वो सारी आइटम्स डालेंगे जि, जो जो पे हमारी इन्वेस्टमेंट होगी तो दो तरह की इन्वेस्टमेंट है डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनल और उन सारी आइटम्स को भी लिस्ट करेंगे जिससे हमें बेनिफिट्स होंगे अभी आइटम्स को लिस्ट करेंगे इसमें टेंजिबल बेनिफिट्स भी और इनटेंजिबल बेनिफिट्स में तो इट मींस लिस्ट में टोटल लिस्ट दो तरह की होगी एक तरफ होगी कॉस्ट और दूसरी तरफ होगा बेनिफिट बेनिफिट में दो कैटेगरीज होंगी टेंजिबल बेनिफिट एंड इन टेंजिबल बेनिफिट कॉस्ट में दो होंगी डेवलपमेंट कॉस्ट एंड ऑपरेशनल कॉस्ट अब इनकी आगे सब कैटेगरीज भी होंगे जैसे सैलरी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बेनिफिट्स में जैसे सेल तो ये सारी चीजें आप हर आइटम को लिस्ट कर लोगे जिन पे आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और जिनसे आप जिनसे आपको बेनिफिट होगा दूसरे पॉइंट में उन सारी आइटम्स को लिस्ट करने के बाद हर आइटम को आप एक वैल्यू असाइन करोगे तो ऑब्वियसली ये काम बहुत मुश्किल है इसमें आपको बहुत सारी कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ेगी और एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ेगी अब सारी वैल्यूज असाइन करने के बाद उसके बाद आप डिटर्मिंग करोगे कैश फ्लो को क्योंकि अब आपके पास सारी चीजें हैं बट आपने ईयर वाइज उसको ब्रेक करना है बेनिफिट्स को ईयर वाइज ब्रेक करना है कॉस्ट को ईयर वाइज ब्रेक करना है और ये दोनों चीजें आप तो, क, आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगी ऊपर वाली दो चीजों से उसके बाद हम असेस करेंगे प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक वैल्यू को जिसमें हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे

बेनिफिट्स uh, होंगे दूसरे में हम वैल्यूज असाइन करेंगे वैल्यूज असाइन करने के बाद हम डिटरमिन करेंगे कैश फ्लो पर ईयर तो यहाँ पे आप सारे आपके जो आपने ऊपर काम किया है उसको ईयर वाइज ब्रेक कर लोगे उसके बाद फोर्थ पॉइंट में आके आप असेस करोगे इकोनॉमिक वैल्यू जिसमें आप कैलकुलेट करोगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ब्रेक इवन पॉइंट एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर प्रोजेक्ट सो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ So that concludes our today's uh, session.